नमस्कार, मैं रश्मि। स्वागत है आपका देश के सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल प्रजातंत्र टीवी में। डीडवाना में बदमाशों के हौसले बुलंद हो रखे हैं। बदमाश दिन दहाड़े चोरी और लूट की वारदातों को खुलेआम अंजाम दे रहे हैं। आज भी बैंक ऑफ बड़ौदा के पास एक युवक कार का शीशा तोड़कर 1 लाख रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो गया। डीडवाना में लगातार दूसरे दिन यह बड़ी घटना हुई है। इसके पहले कल ही 2 बदमाश कोट मोहल्ले से एक महिला के गले से सोने की चेन छीनकर भाग गए थे। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मौके का मुआयना किया तथा सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर बदमाशों की तलाश में पुलिस जुट गई। आपको बता दें, यह वारदात बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने की है। आज दोपहर 12 बजे के लगभग सूपका गांव के पेट्रोल पंप के संचालक अशफाक अली बैंक में रुपए जमा कराने आए थे। इस दौरान उन्होंने अपनी कार बैंक के सामने खड़ी की और बैग में से कुछ रुपए निकालकर बैंक में चले गए, जबकि 1 लाख रुपए से भरा बैग कार में ही रख दिया। इस दौरान वहां खड़े एक युवक ने मौका देखते ही कार का शीशा तोड़कर रुपयों से भरा बैग पार कर लिया और फरार हो गया। जैसे मैं रोज बैंक आता हूँ, उसी हिसाब से आज मैं 11:55 पे या 11:50 पे बैंक आया था। तो मैं अपना यहाँ अंदर बैग में एक बड़ा बैग था, उसके अंदर छोटा बैग था, तो छोटे बैग को लेके बैंक में चला गया था। तो बड़े बैग के अंदर कुछ मेरे फंड से रिलेटेड चेकबुक वगैरह, ATM वगैरह, कुछ कैश उस बैग में ही था। अंदर जाने के अंदर बाद थोड़ी देर बाद में छोटा भाई और आया, कुछ कैश कम पड़ रहा था, तो उसने आके बताया कि भैया बाहर गाड़ी का शीशा टूटा हुआ पड़ा है और अंदर बैग भी नहीं है। तो फिर मैं बाहर आके और मैंने ये सारी घटनाक्रम पुलिस को बताई और ये घटना में। बैग में कितना कैश था आपके? बैग में 1 लाख रुपए के समथिंग मेरा कैश था, जिसमें 100 और 500 के नोट। तो आपने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई है? जी बिल्कुल, मैंने पुलिस में आते ही सीएस साहब को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि मैं भेज रहा हूँ गाड़ी, और गाड़ी आ गई थी और सारा घटनाक्रम अभी हमने कैमरे में भी देख लिया। जो लड़का था उसने कैसे शीशा तोड़ के बैग निकाल के वो पता। क्या नाम आपका? मेरा नाम अशफाक अली है।